सो आई हैव टेकन दिस वन, दिस इज मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पर इथाइल है, ओ एच माइनस लिया, एच प्लस लिया, हमें इसमें टॉटोमेरिक प्रोडक्ट्स बताने हैं और पर्टिकुलर इसमें मेजर और माइनर ढूंढना है. सो आई हैव जस्ट ड्रॉन व्हाट, मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, यहाँ पर ये तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया. एक बार मैंने एच को यहाँ से हटाया और ये हमने इनॉल बनाया यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये ओ एच. दूसरी बार मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ से हम हटाते हैं तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबल स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ पर. However, these two would be in equilibrium. Still, we can draw these two structures. तो अब इन दोनों को, अब इन सब में हमें compare करना है कौन सा ज्यादा major है कौन से cases में. So what I did here is, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये किया है कि ये वाला ketone लिया हमने यहाँ पर, इसमें हमारे पास दो तरह का alpha hydrogen थे, एक ये वाला है दूसरा ये वाला है. यहाँ से alpha hydrogen हमने और यहाँ का alpha hydrogen, दोनों में ज्यादा होगा. सिंपल तरीका यही है कि इसके ऊपर क्या एक प्लस आई ग्रुप लगा दिया, therefore ये वाला less acidic है, ये वाला more acidic है. तो मोर एसिडिक है इसलिए OH- ने यहाँ से H+ को रिमूव किया, यहाँ पर माइनस बना, फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुआ एंड देन H2O से लेकर के ये वाला इसने ऐसे बना लिया. एंड सो वी कैन राइट इट इन दिस केस, वी कैन से कि यहाँ से यहाँ तक में दो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है. एक स्टेप वन ये वाला है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो अल्फा हाइड्रोजन गया है और इनोलेट हमने यहाँ पर ये वाला पहले सी पर माइनस जो कि रेजोनेंस होकर के इनोलेट एनायन फॉर्म हो गया. That is taking out this proton from solvent to form enol. यहाँ पे ये हमने बना दिया. अब दूसरे वाले की बात करें, दोबारा ये वाला equilibrium में ही रहेगा. And so, second one जो हमारे पास acidic है, इसकी हम लोग चर्चा करें. So in this particular case, यदि हम देखते हैं यहाँ पर, so here what we observe, double bond O, ये वाला हमने ऐसे लिया, add H plus to it. So this is electron rich, this is deficient. Electron donated to H plus, so it will be forming double bond OH plus. ये OH plus बना. अब हमारे पास ये बहुत ही crucial step है. अब हमें decide करना है कि कौन सा H को हमें निकालना है, यहाँ वाला H या यहाँ वाला H. So if you look at it, अब इसके बाद क्योंकि इसमें कोई driving force इस तरह का नहीं था, so out of these two hydrogen यहाँ पर हटाएंगे, so which is forming more stable alkene? That would be its driving force. Yani stable alkene is the key factor. Stable alkene, and I hope you remember the order of stability of alkene. And therefore, we can say in this particular case, यहाँ पर जितने ज़्यादा alpha hydrogen होंगे, वो वाला ज़्यादा stable होगा. तो यहाँ भी double bond बना लो, यहाँ भी double bond बना लो. Count the alpha hydrogen. So when you count the number of alpha hydrogen in it, you will find कि यहाँ पर हमारा जो alkene बनेगा, वो वाला ज़्यादा stable alkene बनेगा. And therefore, this H will go out. ये एच यहाँ से बाहर निकला एंड देयरफॉर इट विल बी फॉर्मिंग व्हाट, यहाँ से डायरेक्टली हमने ये वाला फॉर्म बना लिया, यानी ये डबल बॉन्ड ओ हट जाएगा फिर यहाँ से. जैसे हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये ओ एच बन गया, ये ओ एच बना और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया. सो वी कैन से दिस वन इज मेजर इन दिस पर्टिकुलर केस, ये वाला मेजर यहाँ पर यह बना, इसमें मेजर ये वाला बना था. So what conclusion we can draw from this one? पहला इसमें अब फिर से मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि पहला यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला है, ठीक यहाँ पर क्या कंक्लूजन मिला है. दूसरा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसा होगा. पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम मतलब जो हम लोग वही यू कैन से इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट वाला जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसका ग्राफ कैसा होगा. ध्यान रखना बच्चों इसमें दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है. स्टेप वन इज दिस वन, स्टेप टू इज दिस वन. जो स्टेप स्लो होगा उसका एनर्जी एक्टिवेशन ज्यादा होगा, जो स्टेप फास्ट होगा उसका एनर्जी एक्टिवेशन कम होगा. सिमिलरली यहाँ भी स्टेप वन है ये वाला और यहाँ पर ये स्टेप टू है. सो वी हैव दीज टू स्टेप, दोनों ही रिएक्शन में दो स्टेप में रिएक्शंस हो रही हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ड्रॉ देयर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम. दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज गो थ्रू इट, जस्ट ट्राई इट आउट, कोशिश करो, देन आई विल अगेन कम बैक टू यू. तो मैं ये कहूंगा यहाँ पर when we have to draw potential energy, इसमें basic funda ये हो, भी कोई reaction की बात करते हैं यहाँ पर, तो reaction में क्या होता है हमारे पास transition state हो और जब जैसे कोई reaction में लिया यहाँ पर, तो ये potential energy है हमारे पास और ये है reaction का progress है, reaction coordinate. तो जो diagram बनेगा एक something like this, एक हमने ऐसे बना दिया. इसका ये मतलब है कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ओनली ट्रांजिशन स्टेट विच इज रिप्रेजेंटेड हियर, ओनली ट्रांजिशन, ओनली टीएस. रिएक्शन
यदि इंटरमीडिएट है तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अगेन इसमें बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं, बट आई एम जस्ट ऑफ जनरल में बात यहाँ पर। यदि कहीं पे इंटरमीडिएट है तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट का। ध्यान रखना ये जो गड्ढा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें डिपेंड इस बात पर करता है यहाँ पर कि यदि मान लो हमारे पास जैसे इसमें क्या हो गया, दो स्टेप का हो गया रिएक्शन, एक यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, सो टू स्टेप है। तो टू स्टेप यदि कोई रिएक्शन है, टू स्टेप मैंने लिखा, उसके बाद ये जो हमारा एनर्जी फैक्टिवेशन कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी फैक्टिवेशन है, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक एनर्जी फैक्टिवेशन है। सो वी कैन सी इफ आई से EA1 ग्रेटर देन EA2, ऐसा भी तो केस हो सकता है हमारे पास कि EA1 less than EA2. So if I say EA1 greater EA2 है, that means what उस केस में जो ग्राफ हमारा बनेगा, that would be somewhat like this one. EA1 बड़ा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा थी than EA2. So this is somewhat like this one. ये वाला कुछ ऐसे हमने बना दिया यहाँ पर, and therefore ये वाला एनर्जी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो गैप बड़ा है in comparison to this gap. So the reaction जिसमें कि EA1 है, जिसमें कि पहला, अब देखो यहाँ पर EA1 का क्या मतलब है, energy of activation. तो obviously बात है जिसका energy of activation ज्यादा होगा वो slow होगा. So we can say this is slow. ये slow है, ये वाला fast हो जाएगा because energy of activation is lower. Now अब जब मैं ठीक इसका उल्टा लेता हूँ यहाँ पर, in that case what will happen? इसमें EA2 बड़ा है, यानी पहला step जो बनेगा बेटा जी, देखो यहाँ पर ये वाला ऐसे बना, दूसरा हमारा यानी इन दिस केस देखो यहाँ से यहाँ तक EA ये वाला है, और इस वाले केस में क्या हो गया, EA यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे ये वाला. सो हियर वी कैन से EA2 इसमें बड़ा है इन कंपैरिजन टू EA1, सो दिस वन इज स्लोअर. ईशान जो तुमने अभी बोला था यहाँ पर कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा स्लो होता है, दैट इज टोटली ग्रॉसली इनकरेक्ट. सो प्लीज When we have to compare these two, हमें ये दो step compare करना है, क्योंकि हमें यही decide करना है कि भाई कौन सा इसका किसका energy activation ज़्यादा होगा, किसका energy activation कम होगा. Have to look at the logic, not the answer. Answer is least important. पहले हमें logically चीजों को connect करना है. तो ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर OH minus है, base है, and this base is taking a proton from this one, यानी carbon से जुड़ा hydrogen है जिससे ये proton निकालना है. यानी फर्स्ट रिएक्शन एक एसिड बेस रिएक्शन है. यदि मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करूं, भी क्या हो रहा है, माइनस इज टेकिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर. अब जरा सोचो यहाँ पर कि ये एसिड बेस रिएक्शन है, यदि मैं ये कहूँ कि स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा. इफ द एसिड इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एसिड है, सो इन दैट केस रेट वुड बी फास्टर, रेट वुड बी फास्टर. And if I compare the acidic strength of these two, यानि यहाँ पर जो hydrogen है उसकी बात करूँ और जो water का hydrogen है उसकी बात करें, so out of these two we understand that this water is much more acidic than this one. तो ये वाला ज्यादा acidic है, this is more acidic. More acidic है मतलब ये वाला क्या होगा, ये faster react करेगा. And therefore we can say यदि ये fast react कर रहा है, इसका मतलब इसका energy of activation कम होगा. And therefore we can say this one is slower. ये वाला fast है, तो ये slow होगा. दूसरी बात, जिस step में intermediate बने, तो intermediate तो खैर ये भी है और ये भी है. ये stable intermediate out of these two, ये वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पर. So intermediate formation is not the only thing that we need to know. So it depends. हमें ये इस चीज पर करता है कि जो step है, उसके characteristic को देखना है. तो यहाँ पर दोनों में ही acid base reaction था. तो यहाँ पर जो ये stronger acid है, so it is reacting faster. और ये वाला क्या होगा, स्लोअर होगा. सो फर्स्ट स्टेप 1 इज स्लो एंड स्टेप 2 इज यू कैन से फास्ट. सो EA1 इज ग्रेटर देन EA2. EA1 EA2 से बड़ा, सो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, दैट विल बी ड्राइंग शॉर्टली इन दिस पर्टिकुलर केस. सेकंड वाले एग्जांपल की बात करें तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि S1 हमने लिखा, यानी स्टेप 1 है. तो यहां पर लोन पेयर इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू H+. फिर से ये वाला एसिड बेस रिएक्शन है. और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं इस वाले स्टेप 2 में, कि यहाँ पर मैं इस हाइड्रोजन को के बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ. बच्चे सुनना और समझना इस बात को. यहाँ पे मैं देखो, इसमें सिंपल लोन पेयर एक कंपाउंड था, वो अपना लोन पेयर एक सिंपल एक बॉन्ड बना रहा है.
बॉन्ड बनाने से एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड रिलीज होता है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा। जबकि इस केस हमें बॉन्ड तोड़ना है, इसमें एनर्जी देना पड़ेगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टेप टू है हमारा ये स्लो होगा और जो पहला स्टेप है ये हमारा फास्ट होगा। क्योंकि यह फास्ट है ये वाला स्लो है, देयरफॉर इसका एनर्जी एक्टिवेशन ईए टू इज मोर देन ईए वन एंड देयरफॉर नेचर ऑफ ग्राफ जो बन जाएगा दैट वुड बी नाउ कंपेयरिंग दीज टू। यदि मैं इसका ध्यान रखूं तो मैं इसको ध्यान रखकर ग्राफ बनाऊं तो बेसिक मीडियम में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम हमने ये कंक्लूड किया हुआ है कि पहला स्टेप हमारा स्लो है और दूसरा स्टेप फास्टर था, देयरफॉर इसका एनर्जी एक्टिवेशन पहले वाले का ज्यादा होगा, दूसरे वाले का थोड़ा सा कम होगा और फिर हमारे पास ये फाइनली प्रोडक्ट बन गया। सो हियर वी कैन से दिस इज इंटरमीडिएट, यानी ये वाला बेसिक मीडियम में था। जबकि ऑन द अदर हैंड ऑन द कंट्रारी वी कैन राइट हियर इन एसिडिक मीडियम पहला स्टेप स्लो था, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हुआ है एंड देयरफॉर दिस मस्ट बी लाइक दिस। फिर उसके बाद ये वाला हमारा फाइनली ये वाला कुछ ऐसे बन जाएगा, नॉट लाइक दिस, रादर क्योंकि पहला था तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी थोड़ी सी इसको हमें और नीचे करना चाहिए, एनर्जी बहुत सारा रिलीज हुआ है देयरफॉर दिस मस्ट गो डाउन, ये नीचे जाएगा लाइक दिस, कुछ इस तरह से। ये वाला नीचे लिया हमने, यहाँ पर ये वाला ऐसे और ये कुछ इस तरह से ये ऐसे जुड़ गया एंड देन फाइनली ये वाला प्रोडक्ट बना। सो रिमेम्बर इन दिस केस यहाँ पर क्या बन गया था हमारे पास, डबल बॉन्ड और ये ओ एच प्लस ये बना था, चूंकि एसिड बेस रिएक्शन था इसलिए रिलीज होगा जिसकी एनर्जी काफी कम हो जाएगी एंड सो वी हैव गॉट दिस वन। अब फिर यहां से हम लोगों ने किया है इसके लिए एनर्जी एक्टिवेशन ज्यादा चाहिए, सो डायग्राम वुड बी लाइक दिस वन। ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है इसमें, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सो हियर आर द क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ड्रॉ द मेजर इन ऑल इन ईच केस, मतलब H+ और OH- दोनों ही केसेस में आपको बताने हैं एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम में जो मेजर बनेगा इसमें इनॉल उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। ठीक, इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जस्ट ट्राई इट आउट एंड देन फाइंड आउट। नंबर वन इन दिस केस, यदि मैं इसकी बात करूं यहाँ पर तो दोनों ही केसेज में चूंकि यह सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होने का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि ये वाला इधर से करे या इधर से करे कोई फर्क नहीं पड़ता, सो वी हैव गॉट ओनली वन पॉसिबल प्रोडक्ट, यानी एक ही आंसर आएगा एंड दैट इज वी कैन से द मेजर इन ऑल जो बनेगा आप इधर बना दें या इधर बना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, सो ओनली वन एंड वन इज द ओनली आंसर। सेकंड वाले की बात है, दिस इज अ बिट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि देखो बच्चों यहां पर ये वाला क्या है, हमें जब भी एसिडिक हाइड्रोजन की हम करते हैं तो बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा ये होता है कि आपको H+ हटा देना है और वहां पर आप माइनस को चेक करके देखें। तो यहां पर हमने माइनस बनाया, ये रेजोनेंस में गया और ये वाला इधर चला गया और यहाँ पर माइनस बनाया, ये देखना बच्चों यहाँ पर जब मैं यहाँ पे एच प्लस हटा करके माइनस बनाऊंगा इन दैट केस इस जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा ये कि एक मिथाइल है तो मिथाइल इसको डिस्टेबलाइज करेगा एंड देयरफॉर वी कैन से OH- माइनस में यहाँ पर एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। सो हियर दिस ऊपर में एच प्लस है नीचे में OH- माइनस है तो OH- माइनस के लिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बनाऊंगा कुछ इस तरह का, यानी ये OH बना डबल बॉन्ड और ये मिथाइल यहाँ पर, जबकि जो दूसरा एच प्लस है एच प्लस हम लोगों ने क्या कहा है, एच प्लस हमने ये कहा है यहाँ पर कि इन केस ऑफ एच प्लस स्टेबल एल्कीन देखना है, यानी यहाँ पे देखो कि डबल बॉन्ड लगा देंगे यहाँ पर तो इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है एंड सो वी कैन से इन दिस केस द प्रोडक्ट वुड बी लाइक दिस वन, मिथाइल और ये OH यहाँ पे आ गया। सो इन एसिडिक मीडियम दिस इज मेजर प्रोडक्ट। नाउ इन सेकेंड केस, सेकेंड केस में देखें यहाँ पर तो सीधी सी बात है जब बेसिक मीडियम की बात करते हैं फिर से कहानी वहीं पे आके रुकती है, यहाँ पर माइनस बनाना है यहाँ पर माइनस बनाना है, जैसे ही आप यहाँ पे माइनस बनाते हो तो देखो बेटा जी इसमें क्या होगा कि इसका जो माइनस चार्ज है ये फिनाइल के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया एंड देयरफॉर दिस इज हाईली स्टेबल है, जबकि इसमें ऐसा कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी वी कैन से इन बेसिक मीडियम This must be here. तो ये OH आ गया यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये हमने pH यहाँ पे लगा दिया। जब हमारे पास डबल बॉन्ड की बात आती है तो डबल बॉन्ड भी क्या है, कॉन्जुगेटेड है, तो वो भी इसमें भी यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। सो सेम प्रोडक्ट इन दिस केस, सो इट इज जस्ट लाइक दिस, दोनों में आइडेंटिकल बन गया, सो दैट करेक्शन इज रिक्वायर्ड देयर जो आपने बताया था उसमें।
नाउ इन दिस केस यहाँ की हम लोग बात करें, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं अवेलेबल, ओनली एक ही ऑप्शन अवेलेबल है जो कि यहाँ पर है, एंड देयरफॉर ओनली सिंगल प्रोडक्ट दैट इज हियर डबल बॉन्ड, और ये वाला OH इधर आ गया, यहाँ पे ये दोनों ऐसे ही है. हियर वी फॉलो ब्रेट्स रूल एंड देयरफॉर नॉट पॉसिबल एट ब्रिज हेड, एंड देयरफॉर अगेन ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट इज देयर, ये वाला ऐसे ऐसे और ये वाला इधर और ये OH ऐसे आ गया. इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ का जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो कैसा होगा, ज्यादा बेसिक होगा, एंड देयरफॉर इन बेसिक मीडियम यू विल हैव दिस वन, यानी ये Cl इधर आ गया और ये OH इधर और ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ पे लगा दिया. जबकि एसिडिक मीडियम की बात करें तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, स्टेबल एल्कीन चाहिए. स्टेबल एल्कीन के लिए यदि मैं डबल बॉन्ड यहाँ बनाऊं, यहाँ पे बनाएंगे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, दो इधर और एक इधर, और यहाँ पे बनाएंगे तो दो और दो चार, तो इसमें भी क्या होगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा. एसिडिक और बेसिक में दोनों में ही आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना, सेम एज दिस वन, ये वाला ही प्रोडक्ट है. यहाँ की बात करें फिर से, देखो इसमें बात करेंगे फिर से, ये वाला NO2 लगा दिया, इसमें सिंपल फिनाइल है, NO2 इज माइनस एम ग्रुप लग गया इसके पास, जब ये माइनस एम या माइनस आई लगा हुआ है दैट मींस इसका कॉन्जुगेशन है इसके साथ, देयरफॉर दिस मोस्ट एसिडिक है और डबल बॉन्ड भी ज्यादा कॉन्जुगेशन में होगा, सो वी कैन से इन अगेन यहाँ पर डबल बॉन्ड जो आएगा वो यहीं पे ही आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा. सो दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Our original question was there, will there be multiple iodination, will the reaction go further? यानी हमारे पास ये haloform reaction जब हम लोग बात कर रहे थे, और haloform में हमें ये answer करना था, please. So will there be any multiple iodination, होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर यही चीज, ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पर, this is very very important, अब इसी को हमें ठीक से समझना होगा. क्या समझना होगा इसके अंदर, कि यहाँ पर जो मैंने लिखा यहाँ, तो ये कैसे होना है, आगे होगा कि नहीं होगा, यही चीज में इसको एनालाइज करना है, और इसके लिए हमने ऑलरेडी काफी डिस्कशन किया है कि कैसे एसिड कैटलाइज में इनॉल का फॉर्मेशन होता है, और यही इनॉल से हमारे पास जब बेस कैटलाइज हमने लिया था तो मल्टीपल आयोडिनेशन हुआ था, और मल्टीपल आयोडिनेशन के बाद हमने यहाँ पर यह देखा है कि लेकिन जब एसिड कैटलाइज है उसमें होगा कि नहीं होगा. फॉर दैट व्हाट आई हैव गिवन यू द आइडिया इज, यहाँ पर यह कहा है, अभी इसको एक्सप्लोर करना है कि एसिड कैटलाइज्ड में मल्टीपल आयोडिनेशन होगा या नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. अब देखना यहाँ पर, सो आई एम आंसरिंग द क्वेश्चन, विल देयर बी मल्टीपल आयोडिनेशन, विल देयर बी मल्टीपल आयोडिनेशन oblique halogenation in acidic medium. हमें ये तो दिखाई दे रहा था, बेसिक मीडियम हमने तो करा ही रखा है कि भाई हेलो फॉर्म ने बना दिया था, लेकिन यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, अब इसी को हम लोग एनालिसिस, इसी का एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. एंड सो as we have understood, suppose जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया double bond O और CH2 और ये H है, CH2 H लगा दिया यहाँ पर, इसमें हमने H plus ले लिया यहाँ से. Now taking out this one, पहला step में H plus का protonation हुआ, जब ये protonation हुआ so it would be making up what, यहाँ से ये double bond O और ये H plus बन गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH2 और ये H है. अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से ये वाला हमने इसको ऐसे, बच्चों देखो यहाँ पर इसमें एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे हमने यहाँ पर ये लिया है इसको हम लोग कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, however that would be थोड़ा सा वो मतलब स्टेबल कार्बोटाइन तो बनेगा नहीं, लेकिन मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करूं, ये वाला ऐसे और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट इन दिस वे, बिकॉज इन दिस केस वी कैन से हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इस पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, डेफिनेटली ये अनस्टेबल होगा, सो वी शुड नॉट डू दैट, लेकिन जस्ट एक समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी. सो व्हाट आई कैन डू नाउ इज, हमने यहाँ से ये इनॉल बना लिया, अब जैसे मैंने यहाँ से इनॉल बना लिया तो ये बन गया हमारे पास, ये OH आ गया यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड आ गया ये वाला, अब ये जैसे डबल बॉन्ड बना, अब इसके बाद
हमें क्या करना था, यहाँ पर ये आई लिया आई टू, नाउ दिस इज अटैकिंग ऑन, ये लोन पेयर है, ये गया इधर, ये गया इस साइड, एज अ रिजल्ट दिस वुड बी फॉर्मिंग डबल बॉन्ड ओ एच प्लस एंड सी एच टू आई। अब हमें एनालाइज करना है इस चीज को कि ये जो सिस्टम बना है, हाउ इज दिस सिस्टम अगेन एज प्रोन, यानी इसमें हम वही इक्विलिब्रियम की हम लोग बात कर रहे हैं, एच प्लस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब एच प्लस आने से फिर क्या फर्क पड़ेगा, उसी को हमें सोचना है, समझना है। यदि मैं इसमें यहाँ पर ये लगाता हूँ, इस केस की बात करें हम लोग, तो दोबारा से अब जरा ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पर। अब जब हमने यहाँ पर फिर से OH प्लस लिया है, अब हमें एल्कीन, दो तरह के एल्कीन बन सकते मेरे पास, हमें पॉसिबल है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमने दोबारा से इनॉल बना लिया, एक बार इनॉल इधर बना लो, एक बार इनॉल इधर बना लो, यानी वी कैन ड्रॉ इट इन दिस वे, कुछ मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, इनॉल मैं बनाऊ यहाँ पर, तो एक बार बनेगा कुछ ऐसा, ये OH, ये डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास सी एच टू आई है, तो आई तो रहेगा ही रहेगा, और ये एक एच हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया, और ये वाला ऐसे। दूसरा जो केस होगा हमारे पास, दैट वुड बी डबल बॉन्ड ऐसे लिया, ये वाला ओ एच हमारे पास है, वो डबल बॉन्ड यहाँ पे हटा ही दिया इसको, ओ एच हो गया, एंड हियर इट इज दिस वन, ये वाला सी एच टू आई, ये वाला है। तो यहाँ से फिर से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। वन एज, यदि मैं इसका यूज कर लूं, यदि मैं इस वाले का यूज करूं, तो हमारे पास बनेगा ये वाला OH, और ये डबल बॉन्ड नहीं, सॉरी, दोबारा से बनाएंगे इसको, तो ये वाला बनेगा CI2 बन जाएगा, यानी यहां से दोबारा से मैं ऐसे यूज करूंगा I के साथ के लिए, तो इन दैट केस दिस वुड बी फॉर्मिंग I2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये डबल बॉन्ड O और ये वाला आई, और ये आई लग गया, ठीक। प्लस यदि मैं यहाँ पे करता हूं, तो इसमें जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड और ये आई और ये आई। अब हमें ये एनालिसिस करना है यहाँ पर कि दोनों में से फेवरेबल कौन सा है। सो जस्ट हैव अ लुक एट इट। अब जब बच्चों ध्यान से देखो कि ये जो हमने लिया है यहाँ पर, अब जैसे ही ये सी एच टू आई बना, इसी पे हमें फोकस रखना है, हैव अ लुक एट इट, और मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, देन यू हैव टू कंक्लूड कि हमारे पास ये वाला होगा कि नहीं होगा, हमें इन दोनों को ऐसे ही समझना है। एंड द फैक्ट्स आर लाइक दिस, जस्ट इमेजिन करके आप देखें इसमें कि ये जो सी एच टू है और आई है, तो आई और सी में दिस इज मोर, वी कैन से आई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर देयर इज डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। जब ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, सो थिंक अबाउट इट, क्या ये OH प्लस जो यहाँ पे बन रहा है, OH प्लस बन कैसे रहा है कि डबल बॉन्ड O है, और ये H प्लस जो जुड़ रहा है इससे, जिसके कारण से OH बना है, यानी बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर, मैं एक स्टेप की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, एंड दैट स्टेप इज व्हाट, दिस वन, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर I ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यदि मैं पूछूं इसमें कि इसका H प्लस के साथ जो रिएक्शन की बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर जब I लगा हुआ है, तो डेल्टा माइनस है, यहाँ पर डेल्टा प्लस है, तो ये खुद ही इसको क्या करेगा, इसको फेवर कर रहा होगा या इसको डिसफेवर करेगा। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना अपने आप में काफी डिफिकल्ट है, राइट, एंड देयरफॉर आई कैन से कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू बी फॉर्म, ये खुद ही, ये जो इनॉल हमने यहाँ पे OH पॉजिटिव बना रखा है, ये खुद ही यहाँ पर नहीं बनेगा, और यदि यह नहीं बनेगा तो ये इनॉल भी नहीं बनेगा, और ये इनॉल नहीं बनेगा तो फिर आगे रिएक्शन होना ही नहीं है, ठीक। बाय चांस, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने यहाँ पर कि ये वाला ऐसे बना दिया, तो थोड़ी देर के लिए बना भी लेते हैं, मान लो हमने ये बना लिया, चलो ठीक है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया और ये बना लिया, देन उसके बाद देखो यहाँ पर ये आई लगा दिया, यहाँ पर इसमें जो बनेगा हमारे पास ये वाला, इस वाले फॉर्म को देखो, ये OH है और यहाँ पर ये प्लस चार्ज हमने लिया, यहाँ पर ये I है, डेल्टा प्लस है, इस जगह पे कोई डेल्टा प्लस है क्या? So we can say again, यदि हमें कराना ही है तो किस साइड से हैलोजिनेशन होगा, दिस H will easily go in comparison to this one, so we can say बनाएंगे भी तो हैलोजिनेशन इस साइड हो सकता है, इस साइड नहीं होगा,
सो वी कैन से पहली बात ये वाला बिल्कुल ही नहीं बनना है, सो वी कैन से दिस इज नॉट फॉर्म, यदि बनाएंगे तो ये वाला बनेगा अदरवाइज नहीं बनेगा। तो पहला आंसर तो खैर हम कैसे कह सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला बनना ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। देन द सेकंड क्वेश्चन, इफ एट ऑल द ऑप्शंस आर गिवन देन वी कैन टेक दिस एज वन ऑफ द ऑप्शन नॉट एज दिस वन। सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर हैलोजिनेशन हेलो फॉर्म रिएक्शन में जब एसिडिक मीडियम की बात करते हैं तो उसमें ये चीजें होती हैं, यानी एसिडिक मीडियम में। सो नटशेल में ब्रीफ हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि यदि हमें हेलो फॉर्म रिएक्शन कराना है, I2 हमने ले रखा है, एसिडिक मीडियम लेंगे तो मोनो हैलोजिनेशन पे ही प्रोडक्ट रुक जाएगा, यदि फिर भी डाई हैलोजिनेशन कराना है तो वो सेम कार्बन पे नहीं होगा, दूसरे वाले अल्फा कार्बन पे होगा जहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। बट इन केस ऑफ बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म वी कैन से देयर इज मल्टीपल हैलोजिनेशन, और हर केस में हर स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है एंड फाइनली इट गिव्स अस व्हाट, वहां से हमें लास्टली वी आर गेटिंग हेलो फॉर्म मिल जाता है। So this is what we need to remember. ये बहुत ही important सा है and advance में ये ढंग से question आया हुआ है वैसे, लेकिन बहुत तरीके से नहीं आया हुआ है, इसको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना समझना और याद रखना। Form which of the following will give हेलो फॉर्म रिएक्शन, पहला, दूसरा, तीसरा चौथा पांचवा PHCOH, सेवेंथ एज दिस वन, एट्थ एज नाइन्थ एज टेंथ एज नॉट दिस वन, थोड़ा सा चेंज कर दूं यहां पर, इसको कुछ ऐसे लिखूं, लेट्स टेक दिस वन, let's take this one, thirteen age this one, just identify which of the following will give hello form reaction. तो ऐसे explain कर सकते हैं इसमें, ये वाला जो यदि हमने 10th वाले को देख लिया, 10th वाले को समझ लिया, तो फिर 11th भी हो जाएगा, 12th भी हो जाएगा. So let us focus on 10th one and we will be writing all products formed in this particular reaction. So the idea is what? What simply we can say OH minus. तो हमेशा पहला step क्या होता है हमेशा? The very first step is this one. यानी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कहां पर है इसमें? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है ये वाला, बच्चों ध्यान देना, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है ये वाला, तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में ये वाला H+ यहां से गया, जैसे ही H+ यहां से गया, मैं इनॉल नहीं बना रहा हूं डायरेक्टली, मैं कार्बन आयन से रिएक्शन दिखा रहा हूं आपको, ये माइनस लिखा हमने यहां पर, इसमें से आई माइनस आई टू पर अटैक करा दो, आई और आई है अटैकिंग ऑन दिस, ये वाला चला गया इस साइड, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर एक H है, फिर यहाँ पर एक I आ गया, और यहाँ पर ये वाला S है, COCH3. Take another HO minus, फिर से HO minus लिया, ये गया यहाँ से, and so it would be forming double bond O. Then we have double bond O, और यहाँ पर ये I और ये I आ जाएगा, I और ये I आ गया, I2 का फिर से अटैक हो जाएगा यहाँ पर, इसका
दिस अटैकिंग ऑन दिस, आई चला गया बाहर, ये सी आई टू बन गया। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, ओ एच माइनस का अटैक होगा यहाँ पर, दिस इज अटैकिंग ऑन दिस, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ और ये इधर, यानी यहाँ से बन गया डबल बॉन्ड ओ। डबल बॉन्ड ओ के बदले हमारे पास ओ माइनस इनोलेट आयन, और जब ये ओ माइनस बना तो ये वाला बनेगा डबल बॉन्ड। अब जब ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर दो आई ऑलरेडी मौजूद हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला इधर और ये वाला फिर से आई पे अटैक करेगा, आई एंड आई, एंड देयरफॉर दिस आई इज गोइंग आउट एंड वी हैव गॉट व्हाट, वी हैव गॉट दिस डबल बॉन्ड ओ एंड सी आई थ्री, ठीक। एंड देन हाइड्रोलाइज कर दो इसको या ओएच में से फिर से अटैक कराएंगे तो फिर से अटैक होगा, सो दिस इज फॉर्मिंग सी एच आई थ्री बन जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद सी एच आई थ्री प्लस एसिड, कौन सा, ये वाला पोर्शन का एसिड बनेगा, यानी प्लस सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस, ये वाला बन गया। एंड सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन हियर, इन दिस केस जो एसिड बनेगा इसमें, यदि आपने यहां से बना दिया होता जो आप भी बोल रहे थे, इसमें यहां से नहीं बनेगा, दिस इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम दिस वन, इस साइड से नहीं बनाना है, इस वाले एक्टिव मिथिलीन वाला पार्ट है, वहां से सी एच आई टू बना और वहां से फिर सी आई टू से ये वाला अटैक हुआ, फिर इनॉल बना, फिर यहाँ से फाइनली ये वाला हमारा प्रोडक्ट बन गया। सो दैट इज हाउ वी आर डूइंग इट, एंड वंस वी डिड इट, इसके बाद ये हमारे लिए कितना आसान हो गया, हैव अ लुक एट इट, यहाँ पर है कि नहीं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, यस, सो इट विल बी गिविंग अस, इवन तो यहाँ पर सीओ सी एच थ्री नहीं है, सीओ सी एच थ्री नहीं है, ये सीओ सी एच टू है, फिर भी ये वाला रिएक्शन का प्रोडक्ट देता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, एंड देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सेम थिंग अप्लाइज हियर, यहाँ पर भी वही वाला फंडा है, फिर से वही वाला फंडा हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। सिमिलरली अब 13 वाले से पहले एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपसे पूछूंगा, एंड देन जस्ट थिंक अबाउट दिस वन, सो इफ आई आस्क यू विल इट गिव और नॉट, OH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर हमने OH यहाँ लगा दिया, OH यहाँ लगा दिया, विल इट गिव हेलो फॉर्म और नॉट I2NaOH, एक क्वेश्चन पहले ये करो, फिर उसके बाद मैं 13th क्वेश्चन जो हमने लास्ट में यहाँ पे लिख रखा है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, 13th वाला सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा मैं, एंड सो जस्ट हैव अ लुक एट इट एंड जस्ट ट्राई इट आउट। इन दिस केस यस, आंसर एज यस, बिकॉज इसमें हम लोगों क्या करना है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है यहाँ पर कि इसका ये वाला फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल है, एंड देयरफॉर वी कैन राइट इट इन दिस वे, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ लिख लिया, इसमें फिर से वही वाली एक्टिव मिथाइल ग्रुप वाला ग्रुप आ गया यहाँ पर, सो दिस इज पॉसिबल। यहाँ की बात करें फिर से वही टॉटोमराइज होगा, और टॉटोमराइज होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ बन गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एंड सो दिस इज अगेन इट विल गिव हेलो फॉर्म रिएक्शन। नाउ ये जो हमने 13 क्वेश्चन लिखा था आपके सामने CH3COOH, सो हमने बहुत ही जब शुरुआत वाला जो कंडीशन मैंने लिखा था 13 क्वेश्चन में CH3C(OOET) CH3COCl, याद करो हमने आपको ये समझाया था कि हेलो फॉर्म रिएक्शन में यहाँ पर जो CH3 है फिर C(O) है और यहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, पुअर एलजी जो आप भूल गए थे थोड़ी देर पहले, यहाँ पर ये Cl है इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया कहने का यहाँ पर यह मतलब हो गया कि मान लो हमने इसमें CH3COCl वाले में CCl3 बना दिया, फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये Cl है, अब इसके ऊपर आप OH माइनस का अटैक कराओ, जब OH माइनस अटैक कराओगे तो ये वाला गया इधर, ये जाएगा इधर, ये आया इधर, अब नाउ द टास्क इज व्हाट, अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि अब यहां से Cl निकलेगा या CCl3 निकलेगा, ऑब्वियसली Cl ही निकलेगा बिकॉज यहाँ से HCl बनेगा और यहाँ से क्लोरोफॉर्म बनेगा, आउट ऑफ HCl एंड क्लोरोफॉर्म HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है वो बढ़िया लिविंग ग्रुप्स होते हैं, इसलिए ये Cl निकल जाएगा यहाँ से, यदि Cl निकल गया इसका मतलब CCl3 नहीं बना, CCl3 नहीं बनेगा तो हेलोफॉर्म नहीं बनेगा, एंड देयरफॉर वी कैन से इन दिस केस हेलोफॉर्म इज नॉट पॉसिबल। यूजिंग सेम आइडिया हियर अगेन, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि CH3COOET भी नहीं देना चाहिए, यूजिंग सेम कंसेप्ट, यूजिंग सेम आइडिया आइडिया CH3COOET शुड नॉट गिव, शुड नॉट
give haloform reaction, but it gives why it is giving us that reaction, because it is not due to this CH3COOET, CH3COOET. Rather, what happens is, यदि आप इसको OET minus में, यदि OH minus आप इसको ये करते hydrolyze करते हो, तो hydrolyze करोगे तो क्या होगा, ये वाला इधर हमने acid hydrolysis पढ़ा हुआ है, तो वहां से हमें ये मिलता है कि ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3COOH plus ETO minus taking out proton, तो ये ETOH बन गया। ये जो ETOH formed है, ध्यान से देखना बच्चों, CH3CH ये OH और ये H, याद करो हमने क्या स्ट्रक्चर बताया था आपको, यदि किसी भी अल्कोहल में CH3CHOH प्रेजेंट है, then it will give haloform reaction, यानी जब आप इसमें NaOH और I2 ऐड करोगे, so this is oxidized to CH3C double bond O, यहाँ पर ये oxidize हो गया CHO, and then it will give haloform reaction, and so it would be forming CHI3, ये बना plus HCOO minus बना. So this is how we can explain this particular reaction.